हेलो so, बच्चों कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बढ़िया होंगे तो बच्चों आज है हमारा चैप्टर नंबर नेक्स्ट चैप्टर उसका पार्ट दैट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बच्चों इससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जैसे कि मैं चर्चा की थी कि जितनी भी हो के चलते हैं जिसमें आपका पूरा एग्रीमेंट नया बनता है जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म होता है पूरा चेंज होता है पुराने वाला एग्रीमेंट फाड़ के दूसरे वाला एग्रीमेंट नया एग्रीमेंट बन के चलता है तो फर्स्ट सर्कम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेश

इसमें आज ज्यादा चर्चा नहीं होगी आज बेसिक्स की चर्चा होगी जो आगे क्लासेस आएंगी।, तो क्लास आएंगी वो आगे आएंगे आज सिंपल चर्चा होगी कि सर कैसे सारी चीजें होके चलती है हमें भी बता के चलिए आप ठीक है तो एडमिशन का मतलब क्या होगा चलता है सर बच्चों क्या आपने मीनिंग आपको मीनिंग पता है एडमिशन का एडमिशन का मतलब होता है दाखिला

पार्टनर अपना लेते हैं दैट मीन एड कर लेते हैं तो बच्चों इस सी को जब एंट्री मिल जाती है एंट्री ऑफ सी इन पार्टनरशिप फर्म। तो बच्चों इसको हम क्या बोल के चलते हैं इस सारे प्रोसेस को हम बोल के चलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की पार्टनर का एडमिशन हो गया पार्टनर का दाखिला हो गया

जनरल रिजर्व की एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की रीवैल्यूएशन की मैं एक बार लिख देता हूं कौन कौन सी पढ़ाई थी एक मैंने बताई थी जनरल रिजर्व की एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की गुडविल की ठीक है और हमने पढ़ा था रीवैल्यूएशन uh, अगर ये चारों आपने ऑलरेडी मेरे से पढ़ा हुआ है ना पुराने वाले चैप्टर में इनकी एडजस्टमेंट तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आपके लिए इजीएस्ट चैप्टर है ट्रस्ट मी इजीएस्ट चैप्टर है क्योंकि आपको लॉजिक मैंने ऑलरेडी क्लियर करा हुआ है आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में एडजस्टमेंट इसी से रिलेटेड है बट अब एक नया पार्टनर आ गया फिर थोड़ी बहुत चीजें बदलाव हो जाएंगी बट कॉन्सेप्ट जो है जो मैं आपको पहली पढ़ा चुका हूं बच्चों वैसा ही कॉन्सेप्ट है समझ में आई ये बात हां सर समझ में आई तो बच्चों आज हम थोड़ी बहुत चर्चा करके चलेंगे चीजों पे थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत चीजों पे कौन सी सर बच्चों याद है आप सबने मेरे को मैसेजेस किए थे अगर याद नहीं है तो मैं बता देता हूं आप सबके मैसेजेस आए थे सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाली जो चीजें होके चलती है ना जिसमें यह बोल के चलते हैं कि ए और बी पार्टनर्स है सी ने एंट्री ली है तो ए और बी इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं या सी ए से इतना ले रहा है बी से इतना ले रहा है न्यू या सी सी ने C की वजह से ए ने इतना सरेंडर किया बी ने इतना सरेंडर किया न्यू प्रोफिश रेशो निकालो सर ये क्वेश्चन बहुत टफ है सर सर आते हैं एग्जाम में आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आते हैं एग्जाम में बट सर रिक्वेस्ट है सर समझा दीजिए नहीं समझ में आ रहे हैं तो बच्चों आज हम इन्हीं क्वेश्चंस पे चर्चा करके चलेंगे मैंने आपको पिछले चैप्टर में बोल दिया था कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी ना चीजें आपको मैं सब सिखा के चलूंगा इस बात से टेंशन भूल जाओ कि आपको कोई चीज समझ नहीं आएगी तो आज हम चर्चा करके चलेंगे न्यू रेशो पे और लास्ट में थोड़ा बहुत मैं गुडविल के बारे में बता के चलूंगा बाकी गुडविल हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे ठीक है तो आज हम निकालेंगे न्यू रेशो अब मुद्दा क्या आया कि सर ये आप हमें पढ़ाओगे कैसे बच्चों ये पढ़ के चलेंगे क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बिना क्वेश्चन के नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन से समझ के चलेंगे ठीक है तो क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है क्या बोलता है आराम से पढ़ो दिमाग बिल्कुल टेंशन फ्री होके और रट्टा नहीं मारना प्लीज कहता है ए बी एंड सी पार्टनर्स हैं जैसे से बता रहा हूं वैसे वैसे लिखते रहना कहना ए बी और सी पार्टनर्स हैं इन प्रोपोर्शन ऑफ 3/6 2/6 एंड 1/6 3/6 2/6 एंड वन बाय सिक्स फटाफट मुझे बता के चलो क्या मैं इसको रेशो में लिख के चल सकता हूं हाँ सर इसको रेशो में लिख के तो आपकी रेशो आ जाएगी बच्चों LCM लेने की आएगा ना तो ये आएगा थ्री रेशो टू रेशो वन इतना समझ में आया हाँ कहता है डी वॉज एडमिटेड इन द फॉर्म एज अ न्यू पार्टनर कहता है डी ना वन बाय सिक्स के लिए आ गया एज पार्टनर डी आया है डी कहता है मेरी जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तुम लोग बनाओगे उसका चलना है वो होता है 1. प्रूव करूं। लो, अभी देखो, को क्या लिख के चल सकता हूं थ्री बाय सिक्स प्लस टू बाई सिक्स प्लस वन बाय सिक्स ये टोटल शेयर थे ना तीनों पार्टनर्स के ओल्ड रेशो की बात कर रहा हूं हाँ सर बच्चों ये क्या आएगा सिक्स बाय वन इज इक्वल टू वन

शेयर लेफ्ट रिमेनिंग शेयर लेफ्ट अगर कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है न्यू रेशो में डी का मुझे पता है वन बाय सिक्स है बट ए बी सी का सर मुझे अभी तक नहीं पता लगा कि क्या रेशो में वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिस्कस करके चलेंगे इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट फटाफट मेरे साथ लिखो सब इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट जो रिमेनिंग शेयर बचा है ना कितना बचा है फाइव बाय सिक्स रिमेनिंग शेयर को ओल्ड रेशो में शेयर कर दो अब इसको पढ़ के चलो फाइव बाई सिक्स बचा है एबीसी का कोई अता पता नहीं है इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट तो ये फाइव बाई सिक्स को जो एबीसी की ओल्ड रेशो थी ना उसमें थोड़ा थोड़ा बांट के चल दो ओल्ड रेशो क्या थी बच्चों so बच्चों -फट से मुझे बता के चलो, A को कितना मिलेगा? सर, by remaining था, A की old ratio थी को को मिलके चलेगा चलेगा। इसको ऐसे रीड करके चलो बच्चों क्रैम मत करो मैं बहुत से बच्चों को देख रहा हूँ क्रैमिंग कर रहे हैं आजकल बिल्कुल भी क्रैम नहीं करने की जरूरत कोई डाउट है आप मुझसे लो और बी को कितना मिलके चलेगा सर फाइव बाई सिक्स का बी को टू बाई सिक्स हिस्सा मिलके चलेगा ओके फाइव टू ज टेन सिक्स सिक्स जटी सिक्स और सी को कितना हिस्सा मिलेगा सर सी को 5 बाई सिक्स का ओल्ड रेशो में कितना था 1 बाय सिक्स सर इतना हिस्सा मिलके चलेगा अब मुझे फटाफट से ये चीज बता के चलो ए बी सी डी सबकी डिसाइडेड हो गई है हाँ सर सबकी डिसाइडेड हो गई है बच्चों लिख दो ए बी सी डी ए की कितनी है 15 बाई थर्टी सिक्स बी की कितनी है टेन बाई थर्टी सिक्स सी की कितनी है फाइव बाई थर्टी सिक्स आंसर डी की मुझे पता है है वन सिक्स ओके इसका क्या करते हैं एलसीएम क्योंकि हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आना है छत्तीस वाले प्लेटफॉर्म पे लेके आना है तो हमेशा एलसीएम ले लो थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स सिक्स का एलसीएम क्या होता है थर्टी सिक्स इसको लेको फिफ्टीन रेशो टेन रेशो फाइव एंड सिक्स ये हो गया और लास्ट में बच्चों आपके पास क्या आया है हमारी न्यू रेशो आई है फिफ्टीन रेशो टेन रेशो फाइव रेशो सिक्स ये हो गई रेशो किसकी ए बाय सी बाय डी की समझ में आया कि नहीं आया इतना कॉन्सेप्ट येस yes और नो no. हां सर हमें इतना समझ में आ गया कुछ भी गिवन नहीं है बच्चों कुछ भी गिवन नहीं है कुछ भी मुश्किल नहीं है इंग्लिश में कन्वर्ट करने को सीखा करो आपको जो इंग्लिश के सेंटेंसेस दिए ना इसमें आप परेशान हो जाते हो इंग्लिश को ना थोड़ा एनालाइज किया करो कि कि हम हमें बोलना बोलना क्या चाह चाह रहा 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 है 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 जो जो उसको लिख दो सीधा सीधा बोल भैया टोटल शेयर था ना जो टोटल शेयर था उसका वन सिक्स पार्ट तो मैं लेके जा रहा हूं बचा कितना फाइव बाय सिक्स और फाइव बाई सेशो में दे दो खत्म ठीक है तो बच्चों एक तो आते हैं ये वाले क्वेश्चन ठीक है ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है मैं लिख भी देता हूं कि एक तो आते हैं ये वाले क्वेश्चन एक तरीके के क्वेश्चन होते हैं ये वाले अब सेकंड तरीके के क्वेश्चन देखते हैं ठीक है अब आपकी स्क्रीन के सामने एक और क्वेश्चन आ रहा है पढ़ेंगे प्लीज कहता है राम एंड श्याम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 7:12 5:12 ओके कहता है राम एंड श्याम पार्टनर्स हैं 7/12 5/12 में कर रहे हैं उन्होंने एडमिट कर लिया गोपी को एज अ न्यू पार्टनर फॉर वन बाय सिक्स ऑफ शेयर सर अभी तक यही लग रहा है जैसे पहले वाला क्वेश्चन था वन बाई सिक्स मतलब 6, में कर देंगे अभी तक यही लग रहा है सर हमें ओके okay. आगे पढ़ो एक बाय शेयर के लिए उसको एडमिट कर लिया विच बच्चों आ गया इसमें कॉन्सेप्ट विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम राम एंड शाम कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज ऑफ पार्टनर कहता है भैया हिस्सा लेके जा रहा हूं ठीक है इस वन का आधा हिस्सा मैं ले रहा हूं राम से और आधा हिस्सा ले रहा हूं मैं शाम से बेटा आधा आधा हिस्सा निकाल लो जितना आपको ये तो पता है कि गोपी का वन बाई सिक्स है अब कितना हिस्सा किससे ले रहा है वो भी पता लग जाएगा आधा आधा निकाल लो और जितना हिस्सा ले रहा है उसको राम और शाम का जो प्रेजेंट वाला हिस्सा है जो ओल्ड रेशो है उसमें से माइनस कर दो क्या निकल आएगा न्यू रेशो निकल आएगा ये चीजें होके चलती है जितना इंग्लिश को कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे उतना आसान हो जाएगा ठीक है तो आइए कहते हैं ए पार्ट में क्या बोल रहा है देखते हैं कहता है राम और श्याम पार्टनर्स हैं बच्चों में आर और एस लिख रहा हूं आप पूरा नाम लिख के चलेंगे प्लीज कितनी में सेवन बाई टाइव बाई ट अरे सर एलसीएम क्यों लिख रहे हो सेवन बाई फाइव लिख दो ओके आपकी बात मान ली ये हमारी हो गई ओल्ड रेशो ओके उसके बाद क्या बोल के चल रहा है गोपी बच्चों में गोपी को जी लिख के चल रहा हूं गोपी को वन बाय सिक्स शेयर के लिए एडमिशन दे दिया ओके okay, एडमिट कर लिया अब क्या बोल के चल रहा है कह रहा है गोपी का जो वन बाय सिक्स का आधा हिस्सा है वो राम से मांग रहा है आर से और आधा हिस्सा एस से मांग रहा है तो वन बाय सिक्स का आधा हिस्सा कितना बना आधा ही है ना विच रिक्वायर्स इक्वली मतलब आधा आधा वन बाय ट्वेल्व तो ले लिया आर से और इसका और आधा हिस्सा वन बाय ट्वेल्व ले लिया एस से तो कितना कितना आर और एस से लिया सर वन बाय ट्वेल्व वन बाय ट्वेल्व ओल्ड कितना था उसमें से वन बाय ट्वेल्व ट्वेल्व माइनस कर दो ठीक है तो न्यू रेशो या फिर मैं बोलूं न्यू हिस्सा राम का मतलब आर का कितना बना सर पुराना हिस्सा था सेवन बाय ट्वेल्व उसमें से वन बाय ट्वेल्व ले गया ये आ गया हमारे पास सेवन माइनस वन सिक्स बाय ट्वेल्व और एस का सर पुराना हिस्सा था फाइव बाई ट्वेल्व माइनस सर वन बाय ट्वेल्व सर वो दे दिया उसको सो इसमें आ गया फोर बाय ट्वेल्व तो बच्चों फटाफट से मुझे बता के चलो न्यू रेशो क्या बनी है आर रेशो एस रेशो जी सर आर का न्यू रेशो है सिक्स बाई ट्वेल्व एस का न्यू रेशो है सर फोर बाय ट्वेल्व और सर जी का तो मुझे पता था सर वन बाई सिक्स के अकॉर्डिंग ऐड किया ओके okay. आधा आधा चाहे इसको आप प्लस करके देख लो बच्चों इतना ही आगे चलेगा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है है कितना होता है? 12, इतना हिस्सा ही तो ले रहा है वो ठीक है तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आ, ये आएगा सिक्स रेशो फोर रेशो टू ठीक है ना तो बच्चों फटाफट से बता के चलो सिक्स रेशो फोर रेशो टू को मैं कट कर सकता हूं मतलब कि जैसे आपने ये लिख दिया ना हाँ सर इसको कट कर सकते हो कितने पे कट हो रहा है सर टू पे हो जाएगा टू जा टू टू जा टू वन जा ये क्या आ गया ये आ गया आपको न्यू रेशो किसका आया आर का एस का और जी का समझ में आया कि नहीं समझ में आया हाँ सर ये तो समझ में हमें आ गया ठीक है बच्चों अब नेक्स्ट तरीके के एक और क्वेश्चन होते हैं इसी का ही बी पार्ट की बात कर रहा हूं वो भी देख लो मैं आपको कॉन्सेप्ट सारे कवर करवाऊंगा आप पूछते हो ना कि सर सारे कॉन्सेप्ट कवर करवा दोगे सारे कवर करवाऊंगा टेंशन नहीं लेनी उस चीज की अब नेक्स्ट तरीके का का क्वेश्चन पढ़ते हैं और सिर्फ सिर्फ मैं मैं नहीं नहीं है मैं नहीं है है यार सीरियसली बोलूं बच्चों ये ये इंग्लिश खेल जो समझ गया वो कर देगा ठीक है है अब आगे बी बी पार्ट कहता ए एंड सी वर पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयर करके चलते थे कहता है, डी को एडमिट कर लिया डी को अपने बिजनेस में ले आए कि आजा भाई, आजा, एज अ न्यू पार्टनर फॉर वन एट ऑफ शेयर ओके के लिए उसको हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारी बनेगी उसमें उसका की हिस्से दे दिया उसको कहता है उसने वन बाय एट इन द प्रॉफिट, विच ही एक्वायर्ड वन बाई फ्रॉम बी ओके एंड वन बाय सिक्सटीन फ्रॉम सी ये क्या है सर ये तो समझ में नहीं आया बच्चों समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं ठीक है अब लाइन पढ़ने की कोशिश करो उसने कितना शेयर चाहिए उसको वन बाय एट का कहता है इस वन बाई एट में से इंग्लिश पढ़ो बच्चों वन बाई एट में से वन बाय सिक्सटीन हिस्सा तो हमने ले लिया ए से विच हीन फ्रॉम बी सॉरी बी से ठीक है और वन बाय सिक्सटीन हिस्सा ले लिया सी से सर ए से कुछ नहीं लिया ना ए से कुछ नहीं लिया बच्चों कोई बात नहीं ए से नहीं लिया तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना एक से अगर नहीं लिया तो का ओल्ड रेशो ही हमारी न्यू रेशो बन जाएगी ठीक है इसमें परेशानी नहीं, नहीं तो इसमें अब एक चीज मुझे बता के चलो वो सीधा सीधा क्या बोल रहा है कह रहा है वन बाय एट शेयर उसको दिया इस वन बाय एट का वन बाय सिक्सटीन तो ले लिया बी से और वन बाई सिक्सटीन ले लिया सी से कुछ और करने की जरूरत है नहीं सर इन दोनों को अगर आप टोटल करोगे ना तो वन बाई एट ही आता है तो बच्चों इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में सीधा सीधा आपको दे दिया कि वन बाई सिक्सटीन हिस्सा ले लिया बी से वन बाई सिक्सटीन हिस्सा ले लिया सी से तो क्या करना है बी का हिस्सा कितना था ओल्ड सर टू बाई सिक्स और कितना दे दिया बी ने कितना मतलब ले लिया डी ने सर वन बाय सिक्सटीन ले लिया अब बहुत से बच्चे पता है क्या बहुत से बच्चे इसमें क्या करके चलते थे कि इसमें ना आप मल्टीप्लाई कर देते शेयर निकाल लेते ना 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 उसने सीधा बोला वन बाय एट का वन बाय सिक्सटीन हिस्सा उससे लिया वन बाई सिक्सटीन हिस्सा उससे ले लिया सीधा सीधा माइनस कर दो यार जितना हिस्सा लिया बच्चों इसका एल्सियम क्या आएगा सिक्स और सिक्सटीन का इसका आएगा फोर्टी एट सिक्स एट जो फोर्टी एट एट टू ज़ा सिक्सटीन सिक्सटी थ्री ये आ गया हमारे पास थर्टीन बाई फोर्टी एट और C का नया हिस्सा कितना मिलेगा सर 1 बाय सिक्स पहले था और 1 बाय सिक्सटीन हमने D को दे दिया इसका भी एलसीयम बच्चों 48 आएगा 6 8 और 16 3 ये आ गया 5 बाई फोर्टी सर A का क्या करेंगे बच्चों मैंने आपको हमेशा बताया इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अगर A के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है तो A का कितना हिस्सा था 3 बाय सिक्सटीन क्वेश्चन साइलेंट है तो न्यू रेशो भी यही रहेगी है ओके अब इसको डिजाइन करना सीखते हैं कि इसका डिजाइन क्या बनेगा ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी न्यू रेशो क्या आएगा सर ए को तो वही दे दो तो कुछ बताया नहीं हुआ ओके थ्री बाई सिक्स बी का कितना आया है सर थर्टीन बाई फोर्टी एट सी का कितना आया है सर फोर बाय फोर्टी एट और डी का डी का सर हमें दिया हुआ वन बाई एट का हिस्सा लेना है ओके okay. इसका एलसीएम आएगा बच्चों फोर्टी एट सिक्स एट ज़ा एट थ्री जा ट्वेंटी फोर फोर्टी एट वन थर्टीन 48.15.86 इसका बच्चों हमारे पास आंसर आएगा ट्वेंटी फोर रेशो थ्री रेशो फाइव रेशो सिक्स ये हमारी आ गई है एक तरह से क्या न्यू रेशो अब समझ में आ रहा है ना ये किसकी रेशो आई है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी की अब समझ में आ रहा है क्या सर सर सारा इंग्लिश का ही खेल है सर मैं तो ऐसे ही घबरा रहा था बस इंग्लिश दो मिनट के लिए अच्छे से पढ़नी है मेरा क्वेश्चन हो जाएगा ओके okay. सो so बच्चों एक चौथा टाइप डिस्कस करके चलते हैं

फोर रेशो थ्री रेशो ओके सर और में करके चल रहे हैं दे एडमिटेड एलन एज अ न्यू पार्टनर फॉर ट्वेंटी परसेंट ऑफ शेयर इन द प्रॉफिट कहता है जो ए है ना उसको ट्वेंटी परसेंट हिस्सा दे देंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का बच्चों क्या मैं इसको वन बाय फाइव नहीं लिख सकता हाँ सर लिख सकते हो कहता है, one, Lucy, पहले क्या करते थे पहले आपको दिया होता था कि कितना रेशो लेना है मतलब कि नए पार्टनर को कितना रेशो देना है और उस जो रेशो है ना उसमें से इतना हिस्सा उसका ले लिया इतना हिस्सा उसको ले लिया पहले गिवन होता था बट अब गिवन नहीं है समझने की कोशिश करो क्वेश्चन में पहले क्या गिवन होता था कि मेरा इतना हिस्सा देना है इतना उससे लो इतना उससे लो काम खत्म बट अब क्या दिया हुआ है हिस्सा इतना लेना है बट इस हिस्से का इतनी इतनी रेशो में हमने ले लिया है काम खत्म तो इसमें मैं क्या लिख के चल सकता हूं कि ए ने एल से कितने में लिया एल और जेड जो है वो बोलते हैं तिर को हम वन बाय फाइव हिस्सा देंगे ए को बोल रहे हैं एलन को लूसी और जैनी बोल रहे हैं कि तुझे हम हिस्सा देंगे और कितनी रेशो में देंगे पूरा कवर कर देंगे उसकी टेंशन मत ले तू ठीक है तो एल से लूसी से एलन कितना मिला लूसी से एलन को कितना मिला सर वन बाय फाइव का में मिला क्योंकि में बोला ना रेशो टू में डिवाइड कर लेंगे तो वन बाय थ्री हिस्सा उससे ले लिया और जैनी से एलन को कितना मिला है हिस्से का three, इसको दोनों को प्लस करोगे ना तो एलन का हिस्सा आ जाएगा तो टेंशन मत लो सही समझा रहा हूं ठीक है तो लूसी से कितना चला गया इनडायरेक्टली ये भी बोल सकता हूं वन बाय फिफ्टीन और जैनी से कितना चला गया टू बाई फिफ्टी तो न्यू रेशो लो क्या दिक्कत है बच्चों बताओ सारा इंग्लिश का खेल है मेरे को तो समझ नहीं आ रहा इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो डाउट्स कैसे आ रहे थे आप लोगों के कोई बात नहीं अब नहीं आएंगे डाउट्स तो ए का तो सर मुझे पता है वन बाय फाइव है ठीक है एल के पास कितना था पहले सर फोर बाय सेवन ओके और कितना चला गया वन बाय फिफ्टीन चला गया ठीक है तो बच्चों इसमें हमारा एलसीएम आके चलेगा एक सौ पांच निकाल के देख सकते हो आप ठीक है तो सेवन फिफ्टीन फिफ्टीन फोर ज़ा सिक्सटी ओके फिफ्टीन आएगा इसमें सेवन ज़ा सेवन ओके फिफ्टी थ्री बाय एक सौ ओके और जो Z था उसका पुराना हिस्सा कितना था सर थ्री बाय सेवन था और इतना हमने एलन को दे दिया कितना दिया उसने एलन को टू बाय फिफ्टीन बच्चों इसका एल भी एक सौ आएगा सेवन फिफ्टीन ज़ा फिफ्टीन थ्री ज़ा फोर्टी फाइव ओके और फिफ्टीन सेवन ज सेवन टू ज फोर्टीन ओके और हमारे पास आएगा इकतीस बाय एक सौ पाँच ठीक है समझ में आया हाँ सर समझ में आ गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो आपकी रेशो क्या बनी ए एल और जेड या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो यार एल जेड और ए सर ये हमारी बनी है एल का आया है 15 थ्री बाय एक Z जेड का आया है इकतीस बाय एक और ए का तो सर हमें पता ही है एक बाय पाँच LCM ले लो बच्चों ये आएगा 53, ये आएगा 31 और ये आके चलेगा हमारे पास 21 वन फाइव टू ट्वेंटी वन फाइव एक सौ पाँच होता ना तो न्यू रेशो क्या बन गई बच्चों हमारी न्यू रेशो एल जेड ए की ये बनी है बच्चों 53 थ्री रेशो थर्टी वन रेशो ट्वेंटी वन समझ में आया क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर इसमें ठीक है बच्चों अब बच्चों इसमें हम पढ़ के चलेंगे आखिरी केस आखिरी केस में क्या है अभी तक हम कितने केसेस पढ़ चुके हैं सर अभी तक हम वन फर्स्ट केस ये हो गया सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एक केस के और क्वेश्चन आते हैं जो मेरे को लगता है आप लोगों को आने चाहिए इसमें ये होकर चलता है इसमें वर्ड्स यूज पता है कौन से होके चलते हैं इसमें वर्ड्स यूज होकर चलते हैं सरेंडर या फिर सेक्रीफाइस अरे सर क्या वर्ड है अरे घबराने की जरूरत नहीं है सरेंडर का मतलब क्या होता है सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है कि सर इतना दे दिया इतना सरेंडर कर दिया तो यही तो करना है तो इसमें क्या दिया होगा इसमें दिया होगा कि सी का शेयर इतना है इसमें से ये सी के शेयर को पूरा करने के लिए ए ने इतना सरेंडर कर दिया अपने शेयर का बी ने इतना सरेंडर कर दिया अपने शेयर का क्या दिक्कत है इसमें कर दो सरेंडर ठीक है तो इसको अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को स्क्रीन पे प्लीज पढ़ो अरुण भूषण एंड चेतन इसको मैं एबीसी बुलाऊंगा प्लीज आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन थ्री रेशो टू रेशो थ्री रेशो ओके दे डिसाइडेड टू एडमिट शेजाद एज अ पार्टनर ठीक है इसमें मेरी बात समझने की कोशिश करो इसमें जो नया पार्टनर है एस शेजाद उसका कितना हिस्सा लेगा नहीं दिया हुआ ये इसमें ट्रिक है बट कोई बात नहीं सर जितना मर्जी हिस्सा दिया हो सर मैं तो सरेंडर निकाल दूंगा उसको टोटल कर दूंगा उसका टोटल हिस्सा आ जाएगा समझाता हूं कैसे आगे बढ़ो कहता है अरुण ने सरेंडर किया वन थर्ड ऑफिस शेयर इन फेवर ऑफ भूषण ने सरेंडर किया वन ऑफिस शेयर इन फेवर ऑफ चेतन ने सरेंडर किया शेयर इन फेवर ऑफ शहजाद मतलब कि ये देख लो ए बी और सी थे ठीक है ये नया पार्टनर एस आया तो इन्होंने कुछ 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 हिस्सा कुछ कुछ हिस्सा सरेंडर कर दिया उसमें से जो जो हिस्सा सरेंडर किया उसको प्लस 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 कर लो ये किसका हिस्सा निकल आएगा एस का तो यही तो करना और करना क्या इसमें क्या आपको जरूरत थी कि एस कितना हिस्सा लेगा बच्चों कोई जरूरत नहीं है जितना जिसने सरेंडर किया उसको प्लस कर दो तो उसका न्यू रेशो निकल आएगी जो पार्टनर आया है ठीक है ना तो बच्चों इसको फटाफट से करके चलो कैसे करेंगे जो अरुण है उसने अपने शेयर का कितना हिस्सा सेक्रीफाइस कर दिया शेजाद के लिए सर ए का हिस्सा था ये बनता है हमारा सिक्स एट ओके okay. इसमें से सर उसने ए ने सरेंडर किया वन बाई थर्ड शेयर ठीक है वन बाय थर्ड हिस्सा थ्री बाई ट्वेंटी फोर वेरी वेरी गुड पहले सारे सरेंडर निकाल लो बी ने कितना किया सर बी का हिस्सा था टू बाई एट और उसने सरेंडर कितना करा क्वेश्चन में पढ़ो बच्चों भूषण सरेंडेड वन बाय फोर शेयर सर उसने वन बाय फोर सरेंडर कर दिया टू बाय थर्टी टू सही जा रहे हैं यस सर सही जा रहे हैं ठीक है अब आगे चलता है सी ने सी का शेयर कितना था सर थ्री बाई एट और उसने सरेंडर कितना किया है उसने सरेंडर किया है सर वन बाय फाइव ओके ये आ गया हमारे पास फाइव जा 40. अब मुझे फटाफट से बता के चलो मैं बात कर रहा हूं जितना, जितना, जितना रुपए दिए मैंने उसको पांच रुपए दिए मैंने पा, पांच रुपए दिए इसको ऐसे समझ के चलो एक बैगर आ रहा था सो सॉरी टू से एक बैगर आ रहा था उसको ए ने पांच रुपए दिए उसको बी ने पांच रुपए दिए उसको सी ने पांच रुपए दिए तो उस बैगर के पास कितने हो गए कैसे निकाला पंद्रह कैसे निकाला पंद्रह ना कैसे निकाला सर जितना जितना जिसने दिया वो हमने निकाल लिया तो जितना 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 जिसने दिया अगर मैं इसको प्लस कर दूं क्या एस की वैल्यू नहीं आ जाएगी क्या एस का शेयर नहीं आ जाएगा हां सर आ जाएगा तो फटाफट से निकालो कि एस का शेयर कितना बना है इसका भी अभी हिसाब किताब बताऊंगा टेंशन मतलब एस का शेयर कितना बना बच्चों थ्री बाय ट्वेंटी फोर

इसका एलसीएम बनेगा आपके पास एटीन uh, सिक्सटीन 40 इसका बनेगा एट्टी एल सी एम सो एट टेन ज़ा सिक्सटीन होता है फ़ाइव ज़ा और फोर्टी टू 2, टू थ्री ज़ा सिक्स ये आ गया टेन रेशो सॉरी इसमें प्लस आएगा ना तो ये हमारा टोटल आ गया है 11, ये इसका हिस्सा बन गया है मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है ट्वेंटी वन बाई ओके सो एस का हिस्सा बना है ट्वेंटी वन बाई अब सवाल क्या आया सर ए बी और सी ने जितना 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 थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे दिया सर ए के पास सौ रुपए थे उसमें से पांच उसने एस को दे दिए तो ए के पास कितने बचे पचानवे रुपए दैट मींस नाइन्टी फाइव बच्चों कैसे निकाला सर जितना हिस्सा था मतलब जितना ओल्ड रेशो था सर उसमें से जितना दे दिया कितना दे दिया सर ये माइनस कर दो ए के पास जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बचा है वो आ जाएगा तो हम बच्चों निकाल लेते हैं ए के पास कितना हिस्सा था फटाफट से बता के चले प्लीज आ, सर ए के पास था थ्री बाई सिक्स नहीं फोर फाइव सिक्स हाँ थ्री बाई एट इसमें से ए ने बच्चों कितना दे दिया सर ए ने दे दिया है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लो थ्री बाय ट्वेंटी फोर को क्या मैं लिख के चल सकता हूँ वन बाई एट तो सर ए का हिस्सा बचा है टू बाई एट ओके बी का कितना था हिस्सा सर टू बाई एट बी का था इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बना लो टू बाय थर्टी टू को क्या मैं लिख के चल सकता हूँ वन बाय सिक्सटीन हाँ सर वन बाय सिक्सटीन बच्चों कन्फ्यूज़ नहीं होना यही माइनस कर रहा हूँ इसको बस सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने ये देखो वन बाई एट और वन बाय सिक्सटीन परेशान नहीं होना कि सर ये क्या वैल्यू लिख रहे हो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है ओके okay. सो so, इसमें आ गया हमारे पास सिक्सटीन एट टू 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 ज़ा फोर सिक्सटीन वन थ्री बाय सिक्सटीन और सी का हिस्सा कितना था सर सी का हिस्सा था थ्री बाई एट और इसमें से कितना दे दिया उसने थ्री बाई फोटी दे दिया बच्चों इसका एलसीयम निकाल लो क्या जिंदगी है इतना ईजी क्वेश्चन बच्चों एट फाइव ज़ा फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन वन थ्री ये आ गया हमारा 12 बाई फोर्टी अब सर सबके हिस्से निकल गए हैं तो लास्ट में हम क्या करते हैं कंपाइल कर देते हैं सो न्यू रेशो बच्चों ट्रस्ट में इतना आसान है ना इतना आसान है लॉजिकली पढ़ोगे आसान है क्रैम करोगे तो भूल जाओगे सीधा बोलता हूँ मैं तभी हमारी नो क्रैमिंग वाली पॉलिसी आजकल बच्चे मान रहे हैं और बच्चे अच्छा भी स्कोर कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है सो so, ए होता है टू बाय एट बी का निकला थ्री बाय सिक्सटीन सी का निकला ट्वेल्व बाय फोर्टी और एस का हमारे पास कितना निकला था टोटल एस का निकला था ट्वेंटी वन एट्टी ओके okay. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो वरना रहने दो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसका एलसीएम आएगा एट्टी एट टेन टेन टू जा, क्या होता है क्या आएगा सिक्सटीन फाइव फाइव थ्री फिफ्टीन फोर्टी टू झा टू ट्वेल्व ट्वेंटी फोर और सर एट्टी वन जा, ये तो इतना ही रहता है ओके okay. तो आपके पास क्या आया ट्वेंटी रेशो फिफ्टीन रेशो ट्वेंटी फोर रेशो ट्वेंटी वन बच्चों ये आपका आंसर आया है ये आई है आपकी न्यू रेशो क्या इस रेशो को मैं लिख के चल सकता हूँ ए बी सी और एस नेम आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना तो बच्चों दिस कम्प्लीट्स दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक कौन से वाला सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में सर बहुत परेशान हो रहा हूँ सर इतने केसेस आ रहे हैं आपके सारे केसेस मैंने कवर करवा दिए इससे बाहर नहीं आएगा इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा भगवान ना करे अगर बाहर क्वेश्चन देख भी लेते हो आप इस टॉपिक से बाहर आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो वो भी समझा दूंगा सिर्फ इंग्लिश की प्रॉब्लम है और किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है इंग्लिश में थोड़ी चीजें घुमा रखी है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आती है बट अगर इंग्लिश को आप सिंप्लीफाई कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों तो आज हमने डिस्कस करके चले हैं पांच केसेस तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो जरूर पूछ के चलिएगा इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चंस में आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा ठीक है बच्चों एक टॉपिक और है ये टॉपिक नहीं है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे बट हल्का सा मैं आपको बता के चल लू प्लीज ठीक है मान लीजिए गुडविल मैं ये बिलीव कर रहा हूँ कि आप मैंने जो गुडविल समझाया हुआ है आपने अच्छे से पढ़ा है बच्चों अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा एडमिशन में आपको नहीं समझ में आएगा चाहे अभी इस वीडियो को पॉज कर लो और पीछे वाली वीडियोस देख के आओ तब ये चीज़ समझो जो मैं समझाने जा रहा हूँ अब ठीक है सो so बच्चों गुडविल में हमने क्या पढ़ा था सर गुडविल में आपने ये पढ़ाया था कि मान लीजिए एक वैल्यू ऑफ गुडविल दे रखी है इसमें अभी इतना नहीं समझाऊंगा बच्चों समझाऊंगा अगले वीडियो में एक तरह से वो होता है ना पिक्चर के आने से पहले करके ट्रेलर आता है वो ट्रेलर दे रहा हूं मैं आप लोगों को कि मैं आगे क्या पढ़ा के चलूंगा मान लो ये चार लाख रुपए की गुडविल है ठीक है और ए बी और सी हैं अभी इसमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं सिखा रहा हूँ नॉर्मल लॉजिक सिखा रहा हूँ वन, वन रेशो वन रेशो वन में डिवाइड करके चलते हैं डी आया डी कह के चलता है कि यार मैं वन बाई फोर शेयर तुमसे लूंगा ओके वन बाई फोर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में मैं जब आपसे आपके लिए एडमिशन ले रहा हूँ आपकी कंपनी में जब मैं एडमिशन ले रहा हूँ पार्टनरशिप फॉर्म है तो मुझे वन बाई फोर हिस्सा चाहिए ठीक है अब मुझे एक बात बता के चलो डी जो है वो कैपिटल लेके तो आएगा हाँ सर ऑब्वियस बात है इस पर इतनी कोई चर्चा करने वाली चीज़ नहीं है ये तो हम सबको पता है सर कोई भी नया पार्टनर आता है कुछ पैसा तो लेके आता है अपने साथ बच्चों कैपिटल के साथ ना वो एक और चीज़ लेके आएगा उस पर थोड़ी बहुत मैं आपको रोशनी डाल रहा हूँ शेड्यो डाल रहा हूँ कि कैसे क्या चीज लेके आएगा सर हमें बता के चलिए आप फटाफट से ओके okay. आप सब जानते हैं मैंने आपको क्या समझाया था कि वैल्यू ऑफ गुडविल का मतलब क्या होकर चलता है सर ये जो चार लाख है ना मुझे समझाओ प्लीज आप सब सर।, सर ये जो चार लाख रुपए है ना ये एक ऐसा गुडविल है जिसका मेहनत ए बी सी ने वन रेशो वन रेशो वन में आज तक किया है और ये चार लाख रुपए आगे फ्यूचर में आएंगे ठीक है बट एक चीज सर कमी हो गई जो मुझे गलती लग रही है इसमें जो डी है ना वो चालाकी खेल गया डी क्या चलाकी खेल के गया डी कहता है यार मैं चुप रहता हूं ना मैं जब आगे अब अब इनके साथ मैं पार्टनरशिप में जुड़ जाऊंगा क्योंकि आज रात 12 बजे के बाद सारी चीज़ें कैसे हो जाएंगी ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी हो जाएंगी तो डी चुपचाप बैठता है बहुत चलाक आदमी चुपचाप बैठा हुआ है और जैसे ही ये वैल्यू ऑफ गुडविल आती है ना चार लाख रुपए का जब प्रॉफिट आता है फ्यूचर में चुपचाप उसको ले लेता है अब मुझे फटाफट से बता के चलिए जैसे कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर में क्या जो डी है वो इस चार लाख रुपए का प्रॉफिट जो फ्यूचर में आएगा इसका हकदार है ए बी और सी उससे ज्यादा चालाक हैं ए बी और सी कहते हैं डी ना है, है, बट, बट, इसका हिस्सा तुम्हें नहीं मिलेगा मतलब मिलेगा तो है ये जितना भी हिस्सा तुम्हें मिलेगा ना ये हिस्सा अपने साथ लेके आओ हमारे लिए क्यों क्योंकि जब ये तुम्हें हिस्सा मिलेगा ना चार लाख का मान लो चार लाख का वन बाई फोर शेयर है ना चार लाख का ये मिला एक लाख रुपए ये एक लाख रुपए जब फ्यूचर में डी को मिलेगा जिसके लिए वो हकदार नहीं है बट मिलेगा तो है तो ए बी और सी कहते हैं कि भाई तेरे को हम अपने साथ मिला जरूर रहे हैं बट तू कैपिटल का पैसा प्लस एक लाख रुपए लेके जरूर आइयो क्योंकि तेरे को फ्यूचर में एक लाख रुपए रिसीव होगा जिसका तू हकदार नहीं है ये तो रूल के अकॉर्डिंग हम तुझे दे रहे हैं बट तू इसका हकदार नहीं है इस चीज को खत्म करने के लिए हमारे साथ जो तूने चलाकी करी है इसको खत्म करने के लिए तू एक लाख रुपया जब एडमिशन करवा रहा है ना अपना जब हमारे साथ जुड़ रहा है तो लेके आएगा बच्चों इसको बोल के चलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल का मतलब ये होके चलता है जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो वो कैपिटल के साथ साथ एक पैसा लेके आता है कैपिटल तो लेके आया ही आया उसके साथ एक पैसा और लेके आता है जो पार्टनर्स को दे देता है वो किस चीज का पैसा होके चलता है वो वैल्यू ऑफ गुडविल का पैसा होके चलता है जो आगे रिसीव होनी है जिसका हकदार डी नहीं है बट रूल के अकॉर्डिंग आगे डी को मिल जाएगा तो इस चीज को ठीक करने के लिए इस चीज को बिल्कुल अच्छाई करने के लिए ताकि ए बी और सी के साथ ना इंसाफी ना हो वो डी को कहेंगे कि डी जो चार लाख रुपए तुझे आगे मिल रहा है एक लाख चार लाख का वन बाय फोर हिस्सा एक लाख तुझे आगे मिलेगा वो एक लाख तू हमें देगा अभी के अभी अगर तू हमें एक लाख रुपए दे देता है तो पार्टनरशिप फर्म का जो हमारा ऑफिस है ना तभी कदम रखना वरना कदम मत रखना और डी को भी ये बात जायज रखती है और डी ये चीज लेके आता ही आता है बच्चों इतनी चर्चा करनी थी ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं इस पर डिटेल में चर्चा हम अगली क्लास में करके चलेंगे ये सिर्फ मैंने आपको ट्रेलर दिया है कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं मैंने आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया तो ठीक है बच्चों एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको होमवर्क मिल जाएगा आपका जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है अगर आज के कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो जरूर आप पूछ के चल सकते हैं एंड मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू